हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग पे। तो गाइस, टुडे आई एम इन गुड़गांव। मैं गुड़गांव में क्यों आया हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड सेंटर शॉपिंग मॉल है, देख लो आप यहाँ से गुड़गांव में। मैं पूरी लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक करना। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्काई जंपर ऊपर आप लोगों को वहाँ पे लोगो भी दिख जाएगा, स्काई जंपर अंदर उन्होंने रखा है, उसकी पूरी फैसिलिटीज हम का पूरा इंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग ना टोटली ज्यादा इंजॉयबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फनीस्ट थिंग आज मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। ना हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको चेकआउट कर लेना, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। उसके अंदर यहाँ से देख लो, दिस द काउंटर सेक्शन। अब यहाँ से टिकट कराएंगे और यहीं से लेंगे एंट्री अंदर डायरेक्ट। तो एंटर हो गए, स्लॉट भी मिल गया। तो यहाँ पे लेंगे आप सॉक्स, जो जरूरी है, जैसे आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे काउंटर पे, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। आफ्टर दैट यू कैन कम इन, और यहाँ से अपने स्लॉट के हिसाब से थोड़ा वेट करके एंटर ले लेना, बट सॉक्स वगैरह पहले और ये टैग वगैरह लग जाएंगे आपको यहीं पे। पहली गेम से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मजा आया हो गया तो अभी एक और स्टंट मारने का दिल कर रहा है, देखता हूँ मैं वहाँ पहुँच पाऊंगा कि नहीं। अगर नीचे गिर गया तो आपके साथ ही जाऊंगा। राम 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 खत्म। तो गाइज क्रैश हो गया, मैं बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया। मैं पूरा गीला हो गया हूँ खेल खेल के, इतना मजा आ रहा है कसम से, आज इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब देखो काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बहुत स्टंट मार मार के थक गया हूँ, टोटली थक गया हूँ मैं यार। अभी बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। बस दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था, आप लोगों को पता है यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन है। एज पर आप अगर बेसिक से स्टार्ट करोगे, ऊपर ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। जो भी लोग नीचे खेल रहे हैं देख लो यहाँ से, यहाँ मतलब अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक अलग कैफेटेरिया बनाया है, वहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ऊपर से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टोटली अभी थक गया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। वहाँ पर भी देखो वॉलीबॉल सेक्शन, फुटबॉल सेक्शन, बास्केटबॉल सेक्शन, इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन बनाए हैं, जो अब अलग अलग लेवल पे ना अच्छा इन्जॉय करोगे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। ये सब देख के ना मुझे अपनी फैमिली याद आ रही है, काश मेरा भाई मेरे साथ अगर होता, उसको तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट कोई बात नहीं, वो आएगा यहाँ पे कभी तो फिर उसके साथ भी आऊँगा। मैं फैमिली को मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे लड़के साथ होते तो बहुत अच्छा, फैमिली के साथ और अच्छा इन्जॉय लगता है, क्योंकि बाकी लोग आए हैं
कुछ फैमिली के साथ आए हैं, पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं, बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, वो दिन मेरी ज़िंदगी में भी आएगा, फैमिली के साथ मैं घूमा करूँगा, बट अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ। वही टाटा बाय बाय हो गया। ओ भाई ये जो हमने अभी स्टंट देखे वो हमारे भाई ने किए। भाई अपना नाम बता दो। माय नेम इज अरुण तिवारी। ये यहाँ पे काम करता है, इनका स्टाफ है, आप इनको करा भी सकते हो, मतलब आप इनकी हेल्प लेके खुद भी कर सकते हो अगर इनसे आप बोलोगे। ये सिखाते भी हैं, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट हो सीखने में तो हम सिखाते हैं। ये सिखाते भी हैं, तो मतलब काफी अच्छा स्टाफ है लोगों का। यू कैन कम हियर एंजॉय पूरा टोटली। जो बैलेंस करने के लिए ना, सिर्फ इस रोप के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए जो भाई लोगों को है। यहाँ पे देखो बच्चे भी कितना घूम रहे हैं, मस्त रोप के मज़े ले रहे हैं। ये देखो छोटी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। थोड़ी ऐसे वहाँ पे तो हम कर नहीं सकते इतना बैलेंस वगैरह, बट जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी इन्जॉय की। जैसा वॉलीबॉल सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, जंप लगाने की कोशिश की बट हो नहीं पाया, पसीना ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आगे बाहर यहाँ का काम हुआ पूरा। एक और चीज़ आपको बतानी थी एट द एंड पॉइंट, कि जो सॉक्स आपने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देते हैं टिकट के साथ, उसको अगर आप घर लेना चाहे तो ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आओगे तो आपको बार बार उसका पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है 450 अगर आप वीक में आते हैं। अगर आप वीकेंड में आते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं आई प्रेफर कि आप वीक में आइए 450 देके, एक घंटा या 30 मिनट चेस पर आपकी रिक्वायरमेंट, जितनी फैमिली आपके साथ है तो आप इन्जॉय करो, बट ये ज़रूर लेके जाना साथ, क्योंकि वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर कभी आओगे तो आपको यूज़ हो जाएगा। के दिनों में हम लोग प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक जूस पी रहे हैं मौसम्बी का, आप लोगों को भी पीना चाहिए, काफ़ी हेल्दी होता है। गन्ने का जूस ये सब अच्छे होते हैं, रादर देन अदर ड्रिंक्स जो भी आती हैं जिनमें शुगर वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो हेल्थ के लिए भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट ये लोग काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कोई स्वीट्स वगैरह नहीं मिलाते, सिर्फ ऑर्गेनिक मशीन में बनाएंगे। वी आर बैक। आज था मेरे साथ मोहित भाई, जिसके साथ मैं गया था, मेरा फ्रेंड पीजी का, पीजी पे पहुंच गए। आई होप आज का आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पूरा एंजॉय किया हमने भी, आपने भी किया होगा। तो गाइस आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।